हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बिटवीन नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा है व्हाट कम्स आफ्टर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स आफ्टर? बाद में आने वाला नंबर कौन सी है बोल के हमने सीख लिया। जो आफ्टर नंबर आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया तो बिटवीन नंबर क्या है बोल के भी समझ में आएगा, क्योंकि बिटवीन नंबर भी आफ्टर नंबर ही लिखना है। ओके, सी हियर, लिसन ऑल ऑफ यू। 5 to 52 ब्लैंक इधर बीच में लिखना है, जो नहीं है वो नंबर लिखना है। 5 4 54। ओके, व्हाट कम्स बिटवीन 52 एंड 54 के बीच में कौन सी नंबर आएगा बोल के हमें लिखना है। ओके, 52 एंड 54 के बीच में कौन सी नंबर आएगा, 52 के बाद कौन सी नंबर आएगा, सबको याद है? पता है सबको? मैं ही बोल देती हूँ, आप ये वीडियो देखते वक्त लर्न कर लीजिए। ओके, 52 के बाद आएगा 5 3 53। इधर क्या कौन सी नंबर हम लिखेंगे? 5 3 53। अब रीड करके देख लो, 5 2 52 5 3 53 5 4 54 52 53 54। व्हाट कम्स बिटवीन 52 एंड 54 के बीच में कौन सी नंबर आएगा, हम क्या लिखेंगे? आफ्टर नंबर, यानी बाद में आने वाले नंबर। 52 के बाद कौन सी नंबर आएगा वही लिखेंगे, वही बन जाता है बिटवीन नंबर्स। दो नंबर के बीच में आने वाले नंबर को ही हम बिटवीन नंबर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिटवीन 58 एंड 60 के बीच में कौन सी नंबर आया बोल के आप इधर लिखना है। 58 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 58 के बाद, 8 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 9, है ना, 9। ऐसे ही है, 5 लिख लिया तो 59, 58 59 59, के बाद 60। ओके, व्हाट कम्स 58 एंड 60, 59। ओके, नेक्स्ट ईयर, व्हाट कम्स बिटवीन 56 एंड 58 के बीच में कौन सी नंबर आएगा, 6 के बाद कौन सी नंबर आएगा, याद है ना आप लोगों को, 6 के बाद 7 आएगा, तब 56 के बाद 57। ओके, 56 57 58। ओके, 56 के बाद 57 के बाद 58। ओके, व्हाट कम्स बिटवीन 62 एंड 64 के बीच में क्या नंबर आएगा, 62 के बाद, 2 के बाद क्या नंबर आएगा, 3। तब हम इधर पहले 3 लिखेंगे, ये 6 ऐसे ही लिख लेंगे। मैंने आफ्टर नंबर में कैसे लिखना है बोल के बोल दिया, वैसे ही वही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज कर लीजिए, आपको इजी हो जाता है। ठीक है, 62 63 64। व्हाट कम्स बिटवीन 68 एंड 70 के बीच में कौन सी नंबर आएगा बोल के हमें अभी लिखना है। ओके, 68 के बाद, 8 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 9, कौन सी नंबर आएगा, 9, हम इधर 9 लिख लिया, ऐसे ही है 6 इधर लिख लिया, तो 68 69 70 70। ओके, 68 के बाद 69 आएगा, 69 के बाद 70 आएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिटवीन 67 एंड 69 के बीच में, ये नंबर दोनों के बीच में कौन सी नंबर आएगा, 7 के बाद 8, ये 6 ऐसे ही लिख लेंगे, तब 67 68 69। इज इट क्लियर? अभी इधर तक आप लोगों को समझ में आ गया ना? एक और मैंने इधर साइड में भी कर लिया है, क्यों आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ये कितना इतना मैंने करके रखा है, यानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आना है। कोई भी नंबर दे दिया तो आपको आफ्टर, बिटवीन, बिफोर नंबर लिखना आना ज़रूरी है। ओके, ये बेसिक मैथ्स है, ये आपको अच्छे तरह से आ गया तो बड़े क्लास में जाते वक्त आप लोगों को बहुत ईजी होगा। ओके,
व्हाट कम्स बिटवीन 55 एंड 57 के बाद बीच में कौन सी आएगा, 55 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 56, क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा। तब हम पहले इधर 6 लिख लेते हैं, फिर एस इट इज ये 5 इधर लिखेंगे, तब 55 56 57। समझ में आ रहा है ना। व्हाट कम्स बिटवीन 51 एंड 53 के बीच में कौन सी नंबर आएगा, 1 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 2। तब हम क्या लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे, फिर ये 5 एस इट इज इधर लिखेंगे, तब 51 52 53 52 आएगा इन दो नंबर के बीच में। आप समझ में आ रहे हैं बच्चे ना, आप लोगों को ये आपको बार बार देखने में ही समझ में आएगा, बार बार देख लो। वैसे ही आपका स्क्वायर कॉपी में भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिख के देने के लिए बोलो मम्मी या दीदी डैडी, जो भी आपका ये वर्क्स आपको सिखा रहे हैं उनसे बोलो, आपका कॉपी में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर डाल के दे देंगे, आप भी आप ट्राई करेंगे ऐसे आफ्टर नंबर बिटवीन नंबर बिफोर नंबर। ओके, इस वीडियो में हमने बिटवीन नंबर सिर्फ देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बिफोर नंबर मैं सिखाऊंगी, ठीक है। क्यों अलग अलग सिखा रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोग ओरल टेस्ट लेते वक्त बहुत सारे बच्चे ने मुझे आफ्टर नंबर क्या है बोल के ठीक से नहीं बोला है, इतना सोच सोच के बोल रहे हो, सोच सोच के बोलने में आपको फ़ायदा नहीं है, फटाफट बोलने के लिए सीखना है, इतना आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, इसीलिए बार बार मैं यही आप लोगों को सिखा रही हूँ, आपका बुक में भी वही कितना नंबर्स दे रहे हैं उसका ही आपको बिफोर बिटवीन आफ्टर नंबर्स का प्रैक्टिस हो रहा है ना, आप भी कॉपी में भी करना है। ओके, लिसन हियर, 59 एंड 56, व्हाट कम्स बिटवीन 59 एंड 61। 59 के बाद क्या नंबर आएगा, 9 के बाद कौन सी नंबर आएगा, मैंने आफ्टर नंबर में बोला ना, 9 के बाद 0, क्या नंबर आएगा, 0, देन हम 1 ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 59 के बाद 9 के साथ हम 1 ऐड कर लिया तो इधर नेक्स्ट नंबर आएगा 60। ओके, 59 60 61। नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिटवीन 65 एंड 67। 65 एंड 67 के बीच में कौन सी नंबर आएगा बोल के लिखना है, 5 के बाद एस यूजुअल 6, ये 6 ऐसे लिखेंगे। ओके, 65 65 66 67। नेक्स्ट, 63 एंड 65, व्हाट कम्स बिटवीन 63 एंड 65। 3 के बाद कौन सी नंबर आएगा, 4, एस इट इज 6 हम लिख लिया तो 63 64 65। 63 एंड 65 के बीच में 64 आएगा। समझ में आ गया। व्हाट कम्स बिटवीन 66 एंड 68। 66 एंड 68 के बीच में कौन सी नंबर आएगा, 6 के बाद 7, ये 6 ऐसे ही इधर लिखेंगे, तब 66 67 68। अब ये पूरा आपको समझ में आ गया, व्हाट कम्स बिटवीन आपको समझ में आ गया ना। ओके, नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं इस हफ्ते एक शेप सीखने वाले हैं। लास्ट वीक हमने शेप कौन सी सिखाया, रेक्टेंगल सिखाया। आप लोग रेक्टेंगल लिख के प्रैक्टिस किया कि नहीं? ओके, आई थिंक आप लोग कर लिया रेक्टेंगल प्रैक्टिस कर लिए होंगे। यही है रेक्टेंगल, ठीक है, RECTANGLE रेक्टेंगल कर लिया ना आप लोग। ओके, इस हफ्ते हमने सीखने वाले शेप में ओवल, व्हाट इज दिस ओवल, मैंने ओवल में कौन सी कलर करके रखा है, येलो। ओके, ओवल का स्पेलिंग है OVAL, ओवल। ओवल का स्पेलिंग क्या है, OVAL, ओवल। ओके, आपका स्क्वायर कॉपी में डेट डाल के शेप्स बोल के लिख के ओवल बना के आप खुद बनाने के लिए कोशिश करो, कैसा भी बना लो कलर कर लो, आपका हाथ से ही होना चाहिए। ओके, करके OVAL ओवल बोल के 10 times ऐसे लिखना है। ओके, इसका स्पेलिंग भी आप याद करना है, OVAL ओवल में एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप लोग, कुछ ऑब्जेक्ट बोल सकते हो ओवल में, रोज खाते हो आप लोगों को पसंद होगा, मैं नहीं खाती हूँ, आप लोग खाते हो ना, एग ओवल, ओवल शेप में है। ओके, ओके, एग का कलर क्या है, हाँ,
बाहर वाइट अंदर येलो कलर होता है ना, मैं नहीं खाती हूँ, मेरे को पता है, आप लोग भी पता कर लो, मम्मी से दिखाने के लिए बोलो, सिर्फ खाने में नहीं है, ये जो चीज़ हम खा रहे हैं देख रहे हैं ये चीज़ में भी हमें कुछ लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉलर एंड बिगर नंबर। ये भी मैंने पहले ही आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, फिर भी ये मैं सिखा रही हूँ क्योंकि बुक 3 में भी है। हर बुक में आपको होता है जो नंबर उसमें लिखने के लिए प्रैक्टिस दे रहे हैं उसी नंबर का ही आफ्टर बिटवीन बिफोर एंड स्मॉलर बिगर नंबर एंड टेंस वंस में लिखने के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा, मिसिंग नंबर्स वगैरह। ओके, मैं हम इस वीडियो में अब इस पार्ट में देखने वाले हैं टिक द स्मॉलर नंबर। व्हाट इज द टॉपिक हियर? टिक द स्मॉलर नंबर। टिक द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर यानी क्या होता है? छोटा। स्मॉलर यानी क्या होता है? छोटा नंबर होता है। ओके, बिगर यानी क्या होता है? बिगर यानी क्या होता है? बड़ा नंबर होता है। ओके, ये इसके बाद हम ये देखेंगे, पहले स्मॉलर नंबर क्या है बोल के देखते हैं। टिक करना है ऐसे ही, एक निशान टिक करना है, जो स्मॉलर है उसको टिक करेंगे हम। ओके, आप सुन लीजिए, स्मॉलर नंबर इधर कौन सी नंबर दिया गया है? हियर इट, हियर व्हाट इज द नंबर हियर? 6060, देन हियर 6161, विच वन इज स्मॉलर? स्मॉलर यानी छोटा, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सी है बोल के आपको इधर लिखना है। इसके लिए भी आपको एक इजी तरीका मैं बता देती हूँ, आप अच्छे से इस यूकेजी ना, यूकेजी के लिए ये छोटा सा एक तरीका है यूज हो जाएगा, बड़े क्लास में उसका जो एक टैकलिंग होगा वो आप लोगों को नेक्स्ट टीचर जो है वो आप लोगों को सिखा देते हैं। वैसे ही हम साइड पे आप लोगों को, इधर मैं साइड में लिख रही हूँ, ये आप लोगों को ईजीली याद रखने के लिए, 1 to 10 नंबर आप लोगों को याद है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, इसमें से स्मॉलर यानी छोटा नंबर। ओके, देखो सबसे हमने नीचे कौन से नंबर लिखा है? 9 लिखा है। क्या लिखा है? 9। ये 9 के ऊपर जो जो नंबर है ये पूरा स्मॉलर नंबर है, ठीक है? 9 ही सबसे बड़ा नंबर है ये हम जो लिखा है उसमें। ओके, फिर आप देखो 8 के जो ऊपर है सारा स्मॉल नंबर है, इधर 8 बड़ा नंबर हो गया, क्योंकि एक नंबर के पहले जो नंबर है, जो नंबर दिया है उसके पहले जो नंबर आ रहे हैं ये पूरा स्मॉलर नंबर है। ओके, जैसे ही देखो इधर 60 दिया, 61 है। ओके, 60 के बाद हम 61 लिख रहे हैं। ओके, तब बाद में लिख लिया तो ये बिग हो जाएगा, पहले इस 61 के पहले हम क्या लिखा है? 6060, तब क्या है ये 6060 इज द स्मॉलर नंबर। अब समझ में आ गया? इसमें दिखा देती हूँ आपको, 1 के पहले ये लिख लिया, 1 के पहले ये लिख लिया तो ये स्मॉलर है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 2 के पहले 1 लिख लिया, अब तब क्या हो गया? 2 बिग नंबर हो गया, 1 इज द स्मॉलर नंबर। ओके, इधर देखो 3 के पहले हमने क्या लिखा है? 2, तब 3 इज द बिगर नंबर, 2 इज द स्मॉलर नंबर। ओके, 4 के पहले क्या लिखा है? 3, तब नीचे नीचे जो नंबर हम लिख के आ रहे हैं वो बिगर नंबर होते जाएगा, ऊपर उस एक एक नंबर में हम बोल रहे हैं ना उसके पहले ऊपर ऊपर होता है ना वो नंबर पूरा स्मॉलर नंबर होता जाएगा। ओके, इधर देखो 6, 4, 64 एंड 6, 3, 63। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर हियर? विच वन इज स्मॉलर नंबर, 64 और 63? पहले हम 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे ना, इधर देखो 3 लिख रहे हैं, उसके बाद ही हम 4 लिख रहे हैं, तब क्या हो गया? 3 इज द स्मॉलर नंबर, तब 63 इज द स्मॉलर नंबर, सो वी हैव टू टिक हियर 63। समझ में आ गया? लुक हियर 67 एंड 68, विच वन इज द स्मॉलर नंबर? 67 स्मॉलर है, 68 स्मॉलर है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि हम 7 के बाद ही 8 लिख रहे हैं, बाद लिख लिया तो वो बिगर नंबर होगा, पहले लिख लिया तो वो 7 इज द स्मॉलर नंबर, क्योंकि 8 के पहले ही हम 7 लिख रहे हैं, इधर देखो 8 के पहले है 7, सो 67 इज द स्मॉलर नंबर। ओके, लुक एट हियर,
6262 6060. ओके, विच वन इज स्मॉलर? 60 स्मॉलर है, 62 स्मॉलर है, याद है आप लोगों को? 2 के पहले हम 0 लिखते हैं क्योंकि 2 इधर है, उसके पहले 1 है, उसके पहले ही 0 है, तब क्या होता है? 60 इज द स्मॉलर नंबर. समझ में आ गया? 66 एंड 65, विच वन इज स्मॉलर? 66 स्मॉलर है, 65 स्मॉलर है? 65 इज द स्मॉलर नंबर. ओके, क्योंकि 5 के बाद ही हम 6 लिख रहे हैं. ओके, बाद, क्योंकि पहले ये देखो, 55 इज द स्मॉलर नंबर, क्योंकि 5 हम पहले लिख लिए, उसके बाद ही 6 लिख रहे हैं, इधर 65 है. ठीक है, तब 65 इज द स्मॉलर नंबर. देन 69 एंड 70, विच वन इज द स्मॉलर? 70 स्मॉलर है, 69 स्मॉलर है? अब आप लोगों को कन्फ्यूशन हो जाएगा, इसमें मैम आपने बोला है 9 तक हो गया, 9 ही सबसे बड़ा नंबर है, फिर इधर कैसे 70 बड़ा होगा बोल के, है ना? इसमें क्या होता है, हम 9 के साथ एक नंबर, वन नंबर ऐड करते हैं. इसमें वन नंबर ऐड कर लिया तो क्या होगा, 9 के साथ वन नंबर ऐड कर लिया तो 10 हो जाता है ना? तब 10 इज द बिग नंबर, 9 इज द स्मॉल नंबर. अब समझ में आ गया? क्योंकि 9 के बाद हम क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं. ओके, तब क्या हो जाएगा, 10 इज द बिगर, 9 इज द स्मॉलर. वैसे ही है, हम 69 के बाद 1 ऐड कर लिया तो 70 हो जाता है. ओके, तब 70 इज द बिगर नंबर, 69 इज द स्मॉलर नंबर. अब समझ में आ गया ना स्मॉलर नंबर क्या है बोल के? ओके, नेक्स्ट बिगर नंबर. स्मॉलर नंबर क्या है बोल के आपको समझ में आ गया तो बिग नंबर इज वेरी इजी टू सर्कल. इधर है टॉपिक सर्कल द बिगर नंबर. हम सर्कल करना है यानी राउंड करना है, कौन सी बड़ा नंबर है उनको हम राउंड करेंगे. बिगर नंबर यानी क्या है, बड़ा नंबर. ओके, वैसे ही मैंने अभी ये नंबर लाइन लिख लिया ना, आप लोगों को ये याद रखना है. ठीक है, इधर भी देखो 6565 एंड 6262, विच वन इज बिगर, कौन सी बड़ा नंबर है? 65 बड़ा है, 62 बड़ा है, हम पहले लिख चुका है तो वो क्या नंबर होगा, स्मॉल नंबर. वन के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, तब 5 इधर लिख रहे हैं हम, 2 इधर लिख चुका है, यानी तब 2 इज द स्मॉलर नंबर, 5 इज द बिगर नंबर. सो वी हैव टू सर्कल 65 हियर. 65 को सर्कल करना है क्योंकि 65 इज द बिगर नंबर. ओके, 6767 6969, विच वन इज द बिगर नंबर, 69 और 67? यस, 69 इज द बिगर नंबर क्योंकि 7 के बाद, 67 के बाद 68 के बाद ही 69, बाद में आने वाले नंबर को हम बिगर नंबर मानेंगे ना, तब 69 को सर्कल करना है. ओके, 6064 64, विच वन इज द बिगर नंबर, कौन सी बड़ी है इसमें? 6060 होता है, 6460 होता है? यस, वेरी गुड, 60 इज द स्मॉलर नंबर, 64 इज द बिगर नंबर क्योंकि 60 के बाद ही हम 64 लिखेंगे. कैसे? 60 60 61 62 63, उसके बाद 64, तब 64 इज द बिगर नंबर. अब समझ में आया ना? हियर 6363 एंड 6060, विच वन इज बिगर? 60 बिगर है, 63 बिगर है? जैसे हमने इधर किया वैसे ही इधर. ओके, क्योंकि 60 के बाद ही 63 लिखेंगे, 61 62 63, तब 63 इज द बिगर नंबर, वी हैव टू सर्कल हियर. 68 एंड 65, विच वन इज द बिगेस्ट नंबर? 65 बिगर है, 68 बिगर है? बोलो, 68 इज द बिगर नंबर. वेरी गुड, कैसे? क्योंकि 5 के बाद ही 8 आ रहा है ना, 5 के बाद 6 7 8 आएगा. ओके, 65 66 67 67 के बाद 68 बाद में आ रहा है ना, तब 68 इज द बिगर नंबर, वी हैव टू सर्कल 68. ओके, हियर 61
61, 66, 66, 61 and 66. Which one is the bigger number? Which one is the bigger number? 1 के बाद ही 6 आएगा. 61, 62, 63, 64, 65 के बाद 66 बाद में आ रहा है ना, इसीलिए 66 इज द बिगर नंबर. ओके, इज इट क्लियर? स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया ना. ओके, नेक्स्ट हम नंबर नेम. नंबर नेम आप लोगों को लास्ट वीक मैंने सिखाया है कि 7, 6 एंड 7 का. ओके, ये आप लर्न कर लिया. 5 तक आपको लर्न हो गया. लास्ट एग्जाम में भी हमने पूछा है. इस बार एग्जाम आने वाले हैं तब मैंने आपको 7 तक पूछेंगे. ठीक है? एस आई एक्स 6 एस ई वी ई एन 7. ये पूरा हम इस बार लिखेंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे. नंबर नेम में 1 ओ एन ई 1, 2 टी डब्ल्यू ओ 2, 3 टी एच आर ई ई 3, 4 एफ ओ यू आर 4, 5 एफ आई वी ई 5, 6 एस आई एक्स 6, 7 एस ई वी ई एन 7. इधर तक आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, स्पेलिंग लर्न कर लीजिए. 1 to 7 तक नंबर्स, ओवल शेप का स्पेलिंग, देन आफ्टर बिटवीन बिफोर का प्रैक्टिस करते रहो. ओके, नेक्स्ट है आपका बुक 3 में हम देखने वाले हैं. बुक 3 में एक कलर दिया गया है आप लोगों को, पर्पल. इस बार कौन सी कलर दिया गया है? पर्पल. कलर द पिक्चर्स, कलर द पिक्चर्स पर्पल. इधर कौन सी पिक्चर्स दिया है आप लोगों को, इधर पर्पल कलर करना है. क्या क्या है ये? नेक टाई, अम्बरला, कप और थ्रेड. ओके, ये पूरे में आप लोगों को पर्पल, दिस इज द पर्पल कलर. ओके, दिखाई दे रहा है ना, पर्पल है ये कलर. आप लोगों को इस पिक्चर्स में करना है. ये है पेज नंबर 3030 बुक 3 में. ओके, इधर देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसमें लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर सर्कल 1 दैट आर पर्पल इन कलर. इसमें पिक्चर्स कुछ दिया गया है ना, उस पिक्चर्स में कौन सी चीज़, कौन सी ऑब्जेक्ट इसमें पर्पल है उसको आप लोग सर्कल करना है. फ्लावर दिया गया है, फ्लावर कौन सी कलर है? पर्पल है. अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना पर्पल कलर, इसको हम क्या करना है, पर्पल कलर में ऐसे सर्कल करना है. ओके, देन ग्रेप्स, ग्रेप्स आल्सो पर्पल. ओके, पर्पल कलर में ही होता है, ऐसे इसको सर्कल करना है. चॉकलेट कौन सी कलर में होता है? ब्राउन कलर. दिखाई दे रहे ना, इसीलिए इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. ओके, बेड, बेड व्हाइट कलर में बेडशीट डाल रखा है, पिलोस में भी, और इसका ब्राउन कलर, वुड का कलर ब्राउन है. ठीक है, इसीलिए ये पर्पल नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखो जामुन. व्हाट इज दिस जामुन? जामुन कौन सी कलर की होती है? बेरीज है ये. ओके, जामुन, ब्लैक बेरीज, इसको भी पर्पल कलर में सर्कल करना है ऐसे. ये इसका पेज नंबर है 3131. इधर तक आप लोगों को मैंने कर दिया. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पहले ही पता है ना, मिसिंग नंबर्स एंड काउंटिंग 1 to 70 अच्छे से याद करके लर्न करके रख लीजिए, तभी आप लोगों को आफ्टर बिटवीन बिफोर नंबर्स करने के लिए इजी हो जाएगा. इस बार आप लोगों को डॉजिंग होगा. डॉजिंग मींस डिक्टेशन, डॉजिंग नंबर्स. मैथ्स का डिक्टेशन को क्या बोलते हैं? डॉजिंग बोलते हैं. डॉजिंग नंबर दिया जाएगा आप लोगों को, नंबर्स कौन सी नंबर मैम बोल रही है वो नंबर सुन के आपको लिखना है. ओके, इसलिए आपको 1 to 70 तक नंबर अच्छे से याद होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय नाउ, सी यू नेक्स्ट वीडियो.